हेलो दोस्तों, आज मैंने गिटार खरीदा है। इसका नाम है मार्टिन। ये मॉडल नंबर है D12E और ये है मेड इन मैक्सिको। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं और इसका साउंड भी सुनाता हूँ कैसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया पैकिंग किया है, काफी हार्ड लगता लगता अभी गिटार खराब हो, बहुत अच्छा है। वेरी गुड, गजब। इसको रख देते हैं अभी। ये है इसका बैग, काफी बढ़िया लग रहा है मुझे। फैब्रिक भी अच्छा है, कुछ अस्टिक सिंथेटिक टाइप का है ये, लेकिन बहुत बढ़िया है। चैन क्वालिटी लाजवाब है इसका। ये देखिए बैग इसका, ये है अच्छा ग्रिपिंग दिया है इसमें। बैग का भी ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ओके, अब हम देखते हैं इसको गिटार को, क्योंकि इतना कॉस्टली गिटार है। मेरी कोई गिटार पड़ा है, मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे पड़ा है गिटार 1,35,000 का। एमआरपी था इसका 1,55,000 लगभग। तो वो कट पीट के जो भी डिस्काउंट वगैरह देके मुझे ये पड़ा है 1,35,000 का। अच्छा, मेरे पास एक गिटार और है जिसका नाम है टेलर। तो ये गिटार मैंने लिया था 2015 में और ये भी मैंने लिया था 1,10,000 में। तो इसका मैंने काफी दिन से बजा रहा हूँ। ये मेरा बहुत तगड़ा वाला फैन है और मैं इसका फैन हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है गिटार है। तो उसके बाद बिल्कुल बहुत तेजी से भगा हो, है छोटा लेकिन गजब है। बहुत देर हो गए तो फिर किसी ने बोला कि मार्टिन बहुत तगड़ा है, मार्टिन बजा के देखो। तो मैंने फाइनली सोचा चलो गिटार लेते हैं। तो भाई ये दो साउंड देखिए आपने, ठीक है। आप चेक करते हैं इसका साउंड है ना, जो हमने लिया है नया। यस, वेरी गुड, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बैक की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया और क्या लाजवाब चमक रहा है। तो ये है दोस्तों मेरा गिटार मार्टिन D12E, जिसकी कीमत है 1,35,000। अच्छा, इस पे दो तीन चीजें हैं। इसको बैक को हम गिरा देते हैं, कुछ क्वालिटी दिखाते हैं। देखो इसमें क्या है, एक तो इसमें नीचे यहाँ ट्यूनर दिया, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑन हो जाता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे। और इसमें ऊपर वॉल्यूम सिस्टम दे रखा है यहाँ, तो ये काफी यूनिक चीज है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें इनका लगा हुआ है। अब इसको मैं साउंड सुनाता हूँ आपको, ठीक है। क्या बात है यार, मजा आ गया। ये भी बहुत ही तगड़ा, हाफ नोट नीचे करके ना गिटार को ट्यून ही दे दिया है। ये अच्छी चीज है।
साउंड बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है। प्राइस तो ज्यादा नहीं है, पहले 35,000 का, लेकिन अगर मैं अलहमरा से कंपैरिजन करूं, जो मेरे पास ये गिटार है अलहमरा जो है, तो ये बहुत बढ़िया गजब यार, ये तो बहुत ही सही है। ये मेड इन मैक्सिको है अगर मैं इसका बात करूं, मार्टिन का, और ये गिटार है मेड इन स्पेन अलहमरा जो है। ये गिटार है तो पुराना देखिए, लेकिन इसका जो प्राइस के हिसाब से, जब हमने उस समय 1.5 लाख का लिया था, अब तो मुझे नहीं पता कितना प्राइस है इसका, लेकिन ये गिटार प्राइस काफी है। लेकिन जो क्या यार, ये तो मजा ही डाल रहा है ये तो गिटार, उसके साइज की वजह से, क्योंकि वो 41 साइज है, ये थोड़ा छोटा साइज है ना। लेकिन मार्टिन है, आप टेलर को भी देख लेते हैं एक बार, ये भी 1 लाख से ऊपर का है। ये तो बूढ़े से ही रहना, बताऊं दोनों, ये नया है, लेकिन फिर भी यार प्राइस के हिसाब से इसका जवाब नहीं है। ये गिटार बहुत तगड़ा है, क्या कमाल का बज रहा है ये गिटार। ये नहीं ठीक है, ये मार्टिन एक बार फिर से साउंड सुना, ये तो यार मजा डाल रहा है गिटार देखो। फाइनली तो मैं बड़ा इंप्रेस हो गया इस गिटार से, ये बहुत ही अच्छा गिटार है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।